हेलो फ्रेंड्स, आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए बी सी डी ई आर फाइव कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स देयर एवरेज इज, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी सी और डी और ई क्या है, पांच कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो हमसे कह रहा है कि इनका एवरेज फाइंड आउट करो। तो हम अगर जैसा जानते हैं कि ऑड नंबर्स होंगे तो वो किससे कितने कितने पे चेंज होंगे, दो का डिफरेंस होगा उनके बीच में, ठीक है। तो अगर ए फर्स्ट टर्म है, बी सी डी ई जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, अगर इस बी को हम ए के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, बी कितने के बराबर हो जाएगा, ए प्लस टू के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से ये सी कितने के बराबर हो जाएगा, ए प्लस फोर के बराबर। ये डी कितने के बराबर हो जाएगा, डी हो जाएगा ए प्लस सिक्स। और ई कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस एट के बराबर। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका एवरेज कितना होगा ये बताइए। तो हमें अगर एवरेज निकालना हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए वो कितना हो जाएगा, ए प्लस टू प्लस ए प्लस फोर प्लस ए प्लस सिक्स प्लस ए प्लस एट, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, वो कितनी है, वो है फाइव, ठीक है। तो फाइव से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कितने ए हैं, एक दो तीन चार पाँच, फाइव ए है, ठीक है। और जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो कितनी है, वो है एट और टू कितना हो गया, एट और टू टेन हो गया, और सिक्स और फोर कितना हो गया, टेन, मतलब ट्वेंटी हो गया बाई फाइव, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एवरेज हमारा कितना निकल के आएगा, ए प्लस फोर। ऑप्शन फोर इस क्वेश्चन का सही आंसर है।